तो आपका स्वागत है आयत इनायत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फईम अंसारी। अभी हम लोग जो है एक 300 स्क्वायर फीट का पोजेशन दे रहे हैं रफ़ी आलम भाई को। तो ये बाहर जो है ढोलपुरी लगी आपके सामने देख रहे हो, ये 300 स्क्वायर फीट का रूम है। तो अभी हम लोग जो है एक रूम के अंदर की एंट्री करते हैं। तो अभी आपके सामने जो है ये देखो, ये टाइल्स वगैरह लगाए हमने और हाफ टाइल्स रूम के अंदर जैसे हम लोग हर जगह देते हैं। आपके सामने ये देखिए, कलर भी हमने इनको अपने तरीके से मार के दिया है, कुछ इसका एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह नहीं लिया है हमने। ये ऊपर पीवीसी सीट है टोटल, ये देखिए आपके सामने ये, और पूरा कंसील पॉलीकैप की वायरिंग है, आपको इसका कोई टेंशन नहीं होगा पॉलीकैप की वायरिंग का। ये टाइल्स आप जो देख रहे हो ये ऐसे ही पूरे रूम के अंदर जो है, ये देखिए ये पूरे रूम के अंदर है। ये 300 स्क्वायर फीट का एक बेडरूम हॉल किचन है और इनका रूम बन गया और ये रूम के अंदर रहने के लिए आ गए। तो हम लोग ये हॉल में थे, अभी बेडरूम के अंदर जा रहे हैं। ये बेडरूम है, ये देखिए बेडरूम के अंदर कलर वगैरह मारा हुआ है, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ऊपर इसको इनको लाइट लगाने में थोड़ा टाइम जाएगा, लाइट वगैरह लगा लेंगे बाद में। ये अभी इनको पोजीशन हमने दे दिया है, रूम के अंदर सामान शिफ्टिंग कर चुके हैं इन्होंने। ये देखिए पूरी पॉलीकैप की वायरिंग वगैरह सब कंप्लीट है इसके अंदर। और अभी हम लोग जो है दिखा रहे किचन प्लेटफॉर्म, ये देखिए किचन, किचन के ऊपर फुल टाइल्स है, ऊपर पीओपी है और ये देख रहे हो ये किचन है इसके ऊपर। फिर उसके बाद में ये सामने आप देख रहे हो ये बाथरूम है और ऊपर 500 लीटर पानी की टाकी दिया हुआ है हमने, और ये टॉयलेट है। तो आपको अभी हम लोग लेके चलते हैं हॉल में और अभी हम लोग बात करेंगे रफ़ी आलम भाई से बात करेंगे, देखते हो रफ़ी आलम भाई क्या बोलते। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था ये रफ़ी आलम भाई के बारे में, तो रफ़ी आलम भाई आपके सामने खड़े हैं और इनका ये रूम है और रूम इन्होंने किस तरीके से लिया। रफ़ी आलम भाई हमारे से कितने साल से जुड़े हुए हैं, रफ़ी भाई हमारे को बताएंगे उन्होंने कैसे कैसे करके हमारे को पैसा दिया, क्या हमने इनसे कैसे पैसा लिए। तो बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रफ़ी आलम भाई। रफ़ी आलम भाई कैसे है? तो मुझे बताइए सबसे पहला आप यहाँ से कहाँ से आए हो? भिवंडी से आया। भिवंडी में कहाँ रहते थे? शांति नगर में आप रहते थे। तो रफ़ी आलम भाई मुझे बताइए, आपने ये जो रूम मुझसे लिया है ये कितने रुपए का लिया है? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए का रूम लिया है, कैसा पैसा दिया है आपने? हाँ जैसे जैसे हुआ है, एक बार जैसे जैसे पैसा हुआ वैसे वैसे। मंथली कितना देते थे? कभी 10,000 दिया, 7,500 भरते गए। 7,500 रुपए महीना जो हमारा चलता है, 7,500 रुपए महीना आपने, और बीच बीच में कभी कभी आपने 10,000 रुपए भी आपने दिया। तो जैसे दोस्तों देख रहे हैं कि रफ़ी आलम भाई जो है हमारे हर महीने 7,500 रुपए देते थे। तो आपके सामने जो है आप लोग जो देख रहे हो, रफ़ी आलम भाई जो है 7,500 रुपए महीने ही भरते थे। जब उनका 2 लाख रुपया हुआ, सही बात है जी, 2 लाख रुपया आपका हो गया, 62,000 रुपया दिया, 2 लाख रुपया हो गया। अभी लॉकडाउन में आपने लॉकडाउन के पहले चलाया जी। लॉकडाउन के पहले इन्होंने पैसा चलाया था, हालांकि लॉकडाउन के पहले इनको रूम दे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, गलती तो अभी किसी की नहीं थी। तो आपके सामने जैसे रफ़ी आलम भाई बोल रहे हैं कि हम लोग ने रूम जो है कितना, अभी आप कितने टाइम से मेरे साथ हो? करीब 2 साल से हम लोग साथ में। तो 2 साल में आपको ऐसा लगा मैं फ्रॉड हूँ, मेरे पैसे वैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ लगा? नहीं ऐसा नहीं, ठीक आप जब दोबारा आ रहा है मिल रहा है तो आपको कोई चीज भरोसे का पर होता है, विश्वास के पर। जी तो आपको भरोसा था मेरे पे कि हमारे हम आपको रूम का पोजीशन दे देंगे और आप मेरे से रूम लेने के लिए उम्मीद में थे, हर महीने आप मुझे ईएमआई भरते थे। तो दोस्तों जैसे इन रफ़ी आलम भाई का घर हो गया है, अच्छा अगर इकट्ठा आपसे 2 लाख रूपये मांगते तो आप दे पाते थे? नहीं उतना तो नहीं हो पाता, काम करने वाला भाभी जी देखो देव, हाँ देव पाते थे देते थे ना 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए चाहिए था मेरे को 2 लाख। देखो अभी दोस्तों अभी इन्होंने 2 लाख तो नहीं दिया, 7,500 रुपए महीने का दिया है और महीने का देते देते आज इनका खुद का घर जो बन गया, आज इनका दिल जो है आज ये अपने पर्सनल जो इनके खुद के घर में आ चुके। तो मैं आपको बता दूं रफ़ी आलम भाई जो है अब इस घर के अंदर रहेंगे, हमारे दर्शक को कुछ बोलना चाहेंगे ये हम लोग कुछ फ्रॉड है या फिर हमारी स्कीम बेकार है, कैसा क्या बोलना चाहेंगे? स्कीम अच्छा है, स्कीम के अंदर लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए। और ये अभी एक मैं अभी अपना ये हो जाने के बाद भाई भी है उसको भी लेना है। अच्छा जैसे कि अभी ये है इनका हो गया, अभी सेटिस्फाइड हो गया, इनको घर मिल चुका है, तब इनके भाई को भी ये बुलाएंगे
मैं तो कभी कुछ घाई करता नहीं, कस्टमर लोगों के पीछे लगता नहीं कि मतलब जबरदस्ती है, कभी आपको परेशान किया है पैसे के लिए? परेशान देखो दोस्तों, हर महीने जो हम लोगों का ईएमआई चलता है, खाली आप वो दे करके भी अपना घर ले सकते हैं। 2 साल रफी आलम भाई मेरे साथ जुड़े थे और आज जाके उनका घर बना है। अभी घर आपको कैसा लग रहा है, सच बताओ? अच्छा लग रहा है। अच्छा है। और ये घर आपका ही है कि किसी भाड़े पे वाले पे तो नहीं है? नहीं, मैंने आपको भाड़े पे रूम दिया, ये कल के कल खाली कर दी, 15 दिन रहने और घर खाली करके चलिए। घर खाली करेंगे क्या जी? नहीं, पेमेंट तो फिर 15 दिन में घर खाली करना पड़ेगा। और जब खाली करना खाली करेंगे तो खाली कैसे कर देंगे? तो फिर दूसरा करेंगे ना, ऐसा दूसरा क्यों देंगे तुम्हारे को? तो मेरा हो दे दिया ना, मेरा हो गया ना। हाँ, तो अभी तुम्हारा ही खाली तो ये तुम्हारा ही रूम है, सेटिस्फेक्शन लो भाभी, अभी इसके अंदर खाली मिली नहीं होने वाला तुम्हारे को। जितने 2 साल से तुम लोग यहाँ पे जो आ रहे जा रहे मेरे पास, आज तुम्हारा घर हो गया और तुम्हारे को रूम, तुम्हारे दिल जैसा रूम तुम्हारे को दिया हूँ, जैसा तुमने चॉइस किया था, कलर वगैरह तुमने चॉइस किया, तुम्हारे हिसाब से हमने रूम बना के दे दिया। तो दोस्तों हम लोग जो है आपके सामने जो है ये रफी आलम भाई को है, तो ऐसी जाए चले जाए तो मिठाई खा के जाओ। अरे बॉक्स लेके जाऊंगा मैं, बॉक्स लेके बॉक्स देंगे, मिल रहा है बॉक्स? हाँ मिल जाएगा बॉक्स लेके आए दोस्तों। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये स्कीम के अंदर अगर आपको आना है तो 1 आरके का जो रूम है, 1 आरके का रूम आपको पड़ेगा 5,000 रुपया महीना। आपको 1 आरके का 5,000 रुपया महीना भरना है। जब आपका 1,00,000 रुपया हो जाएगा तब आपको रूम का पोजीशन मिलेगा। और अगर आप 1 BHK लेना चाहते हैं तो 7,500 रुपया जो है 100 महीने तक भरने का, 2 लाख होने के बाद आपको रूम का पोजीशन मिलेगा। अगर आप ये 2 BHK लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपया महीना आपको भरना है, 10,00,000 रुपये का रूम पड़ेगा। 10,000 रुपये महीना भरते भरते जब आपका 2 लाख 3 लाख रुपया हो जाएगा तब आपको पोजीशन मिलेगा। दोस्तों मेरी इतनी एनर्जी सिर्फ आपके लिए रहती है कि आप लोग अपना घर बना लो, जैसा भी हो, भाड़े के घर में रह के कुछ मतलब नहीं है। भाड़े का घर आपका जिंदगी में आपका नहीं होने वाला, वो सिर्फ भाड़े का ही रहने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस घर में, ऐसे घर में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपका प्रॉपर्टी एकदम अच्छी जगह हो और सही तरीके से हो। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे हमारे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि हम लोग जो है नोटिफिकेशन आपको मिले जो भी वीडियो अपलोड करते रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करो और दूसरों तक शेयर करो, जैसे रफी आलम भाई ने हमारे से रूम लिया, जैसा कोई और है तो उसको भी रूम मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, चालू। तो दोस्तों जैसा कि रफी आलम भाई ने हमारे लिए मिठाई लाया है, इन्होंने छुपा के रखा था, वो हमको देने वाले नहीं, भाभी ने अंदर रखा था, बोले जाने के वक्त इनको डब्बा देंगे। तो हम लोग जो है हमारे दर्शक को ये देखिए, जैसे हमारे को ये इन्होंने बॉक्स दिया है, हम मांग के लेते हैं। जैसे ये मुंह मीठा करने से सबका हमेशा हमेशा जो है लाइफ मीठी रहती है, बरोबर है ना? मुंह मीठा करने से जिंदगी मीठी रहती है। तो क्या ये लीजिए हमारे तरफ से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चे लोग को खिलाओ, यही तो बच्चे तुम्हारे बड़ा। तो जैसे दोस्तों आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए।